दरगाह में होगी राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना। जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने लिया दरगाह का जायजा। प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों को ही मिलेगा प्रवेश। कोरोना महामारी संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी पालना करवाई जाएगी। दरगाह में सिर्फ इबादत और प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा। दरगाह से जुड़े संगठनों ने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने गुरुवार रात धार्मिक स्थलों के लिए जारी गाइडलाइन की पालना संबंध में दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर राजपुरोहित ने बताया कि दरगाह में खिदमत और प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों को प्रवेश मिलेगा। दरगाह कमेटी और अंजुमन से जुड़े प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार के निर्देशों की अक्षरशः पालना करवाई जाएगी। प्रवेश से जुड़ी विभिन्न औपचारिकताओं के लिए दरगाह कमेटी को अधिकृत किया गया है। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक यह पाबंदियां लागू रहेंगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक रघुवीर प्रसाद शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जी सर, बताइए किस तरह की बैठक की गई है और क्या फैसला लिया गया है दरगाह के लिए? अभी राज्य सरकार द्वारा जो COVID-19 के लिए लेटेस्ट गाइडलाइन निकाली है संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए, उसके तहत जो भी धार्मिक स्थल होंगे वहाँ पर लोगों के लिए पाबंदियाँ रहेंगी। जो बाहर के लोग हैं, जो पूजा अर्चना या इबादत करने आते हैं, उनके लिए पाबंदी रहेगी। केवल जो वहाँ का मैनेजमेंट रहेगा वही इबादत कर सकेगा, ये गाइडलाइन आई है। यहाँ पर दरगाह कमेटी के अंजुमन के लोग, इनके साथ डिस्कशन किया कि इसकी पालना जैसे पहले कराई थी उसको कैसे कर सकते हैं। तो जो मुख्य द्वार है निज़ाम गेट, वो आम जायरीनों के लिए बंद रहेगा, बाकी गेट भी आम जायरीनों के लिए बंद रहेंगे। केवल जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके लिए गेट 5 और 10 जैसे डिस्कस हो वैसा खुलेगा, और मैनेजमेंट के ही कुछ चुनिंदा नुमाइंदे जो लिस्ट देंगे मैनेजमेंट की, वही लोग अंदर इबादत कर सकेंगे। 16 तारीख से सुबह 6 बजे से ये गाइडलाइन लागू हो जाएगी। सर कितने दिन के लिए ये गाइडलाइन लगेगी? ये गाइडलाइन 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। सर इसके अंदर ये बताइए कि आज जो मीटिंग रखी गई उसमें कितने बजे से दरगाह में प्रवेश बंद रहेगा जायरीनों को? इसमें चूंकि अभी तो नाइट कर्फ्यू है, तो नाइट कर्फ्यू में तो वैसे ही बंद है, और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से सुबह 6 बजे से 16 तारीख से और 30 अप्रैल तक ये पाबंदियां रहेंगी। थैंक यू सर।